सो फ्रेंड्स, आई नो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट IVF साइकिल फेल हो जाता है. सो व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द मेन क्वेश्चन. सो जब भी फर्स्ट IVF साइकिल फेल होता है, उसके कभी कभी कारण होते हैं, कभी कभी कारण ना भी होते हैं. कभी कभी देर इज अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम, यानी कि कुछ कारण ना हो तो भी IVF फेल हो सकता है. लेकिन अगर कुछ कारण हो तो वो किस कारण फेल होता है. फर्स्ट इज, अगर आपके एम्ब्रियोज इतने अच्छे क्वालिटी के ना हुए हो तो फिर हो सकता है कि शायद IVF फेल गया हो. सेकेंड है कि अगर आपने एडिक्वेट मेडिकेशंस, बराबर से दवाइयाँ ना ली हो, अगर प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस टाइम टू टाइम ना लिए हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट अच्छा नहीं मिला हो, तो फिर IVF फेल जा सकता है. थर्ड रीजन है कि कभी कभी आपने एडिक्वेट रेस्ट ना लिया हो, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के थ्रू आप जा चुके हो, तो फिर स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर कि आपका IVF फेल हो सकता है. फोर्थ इज, अगर कभी आपको सडनली फीवर हुआ, बुखार आया, सडनली आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे वायरल इन्फेक्शन, टाइफॉइड, मलेरिया, इस दरमियान अगर आपका IVF पहले हो चुका है एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो फिर भी कभी कभी वायरल इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है कि IVF फेल जा सकता है. और इनकेस कभी आपका IVF फेल हो भी, तो कभी हार नहीं मानना है. गो फॉर अ सेकेंड साइकिल, गो फॉर अ थर्ड साइकिल. कभी ना कभी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बिकॉज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, राइट? सो आई थिंक अगर फर्स्ट IVF आपका फेल भी हो चुका हो, आपको बिल्कुल यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड. आपको डेफिनेटली सेकेंड साइकिल जाना चाहिए एंड यू शुड गो फॉर इट. थैंक यू.